राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हलचल मची हुई। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब तक पहली लिस्ट जारी हो। नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सिंस इंडिपेंडेंस के शो पॉलिटिक्स टुडे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बावजूद बुधवार को पहली सूची जारी नहीं हो पाई। हालांकि कहा जा रहा है कि 100 से अधिक प्रत्याशियों की सूची पर मंथन हुआ और 55 से 60 नाम तय कर लिए गए। जो नाम तय हुए उनमें वे सभी नाम हैं जिन पर स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी में कोई विवाद नहीं सामने आया। सूची घोषित किए जाने को लेकर दिन भर अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन बाद में सामने आया कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा की 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा के सिकराय में सभा के बाद ही पहली सूची घोषित हो, ताकि उनकी सभा में कोई विरोध न हो जाए। प्रियंका गांधी सभा के माध्यम से ईआरसीपी मुद्दे को लेकर 13 जिलों को साधने की बड़ी कोशिश करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, यहां तक कि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल चुकी है। इसलिए सबकी नजरें राजस्थान कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी हुई है। सूत्रों के अनुसार सीईसी की बैठक में सूची में ज्यादातर पुराने नाम देख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भड़क गए और कुछ नामों पर आपत्ति भी जताई। राहुल गांधी ने कुछ नामों पर फिर से विचार करने को कहा। सीईसी की मीटिंग में जादूगर यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जादू दिखाना चाहा, लेकिन इस बार आला कमान के सामने उनका जादू उल्टा पड़ गया। दरअसल सीएम गहलोत अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आला कमान ने टिकट बांटने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली और आला कमान ने साफ कह दिया है कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी, किसी की सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगी। जिसने 5 साल मेहनत की है उसे ही मेहनत का फल देंगे। टिकट बंटवारे को लेकर इस बार कांग्रेस आला कमान अलग ही मोड पर है। इस बार सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल हुई, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं सर्वे में मौजूदा विधायकों में से कुछ कमजोर विधायकों की भी टिकट कटने की संभावना है। ऐसे करीब 15 विधायकों को छांटा गया है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब सीईसी में भी टिकट काटने को लेकर मंथन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर हर स्तर पर ज्यादातर सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट देने की पैरवी की। गहलोत ने कल भी कहा था कि विधायकों की वजह से ही काम हुए हैं और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, इसके आधार पर उनका नाम कैसे काट सकते हैं। लेकिन सीएम गहलोत के 3 करीबियों का टिकट कटना तो तय है, जिनसे आला कमान नाराज है, और वो नाम है धर्मेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल और महेश जोशी। सीएम गहलोत ने आला कमान पर दबाव बनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा आदि मौजूद। आज के लिए बस इतना ही। आप भी दे अपनी राय आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। धन्यवाद।